प्रथम तहलका न्यूज। हमने ध्वज फहराने की रस्म अदा कर रहे हैं माननीय जेपी दलाल साहब। मुख्य अतिथि को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करने के लिए आ रहे हैं मुख्य अतिथि माननीय जेपी दलाल साहब, कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन, कानून एवं विधायी मंत्री जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। सम्मान के साथ, बहुत कृतज्ञता के साथ हम याद करते हैं उनका। दो टुकड़िया है जिला पुलिस पंचकूला की, हमेशा की तरह मंच की तरफ बढ़ रही है। आज हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये दिन जो बरसों बरस इंतजार के बाद 200 वर्ष से
पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन कानून एवं विधायी मंत्री जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। 15 अगस्त भाद्रपद की उजली सुहानी भोर आज की सुबह बेहद निखरी हुई, रोशनी जैसे पहले से ज्यादा बिखरी हुई। आज फिजा में एक अलग एहसास है क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज हम मना रहे हैं अपना स्वाधीन। 4 टुकड़ियां इस परेड में शामिल की गई हैं, यानी कुल मिलाकर 7 टुकड़ियां आज की परेड में शामिल है, जिनका निरीक्षण इस समय मुख्य अतिथि निरीक्षण कर रहा है। परेड में कुल 7 टुकड़ियां शामिल है। कुछ टुकड़ियां आपको सामने दिखाई दे रही है, इनके पीछे भी है। 2 टुकड़ियां है जिला पुलिस पंचकूला की, हमेशा की तरह मुस्तैद, सजग, एकदम चौकस, चुकन, सेवा, सुरक्षा, सहयोग, आतंकवाद, अपवाद के साथ में अपराधिक गतिविधियों का लगाम लगाने का, कानून व्यवस्था बनाने का बेहतरीन काम। नेशनल कैडेट को सीनियर और जूनियर 4 टुकड़ियां इस फाइल में शामिल की गई है, यानी कुल मिलाकर 7 टुकड़ियां परेड में शामिल है। परेड में कुल 7 टुकड़ियां शामिल है। कुछ टुकड़ियां आपको सामने खड़ी दिखाई दे रही है और कुछ टुकड़ियां इनके पीछे भी है। 2 टुकड़ियां है जिला पुलिस पंचकूला की, हमेशा की तरह मुस्तैद, सजग, एकदम चौकस, चौकन्न, सेवा, सुरक्षा, सहयोग, आतंकवाद को आत्मसात कर आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगा। सैनिक हरियाणा से है। हरियाणा के वीरों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हमारे प्रदेश से है। हमारे सैनिकों ने 1962-63 कि हमने देश की आजादी की आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। अम्बाला से 8 मई 1857 को जो स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी फूटी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भी सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा से थे। 5 अगस्त का दिन भारत में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन गया है। उस दिन वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को पूर्ण आजादी प्राप्त हुई तथा प्रधानमंत्री ने किया। केंद्र सरकार के ऐसे अनेक साहसिक निर्णयों से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत से नव भारत और अब आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को बल मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में